हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरे वी किचन ऐप यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं करी पत्ते की चटनी। करी पत्ते की चटनी आपने बहुत खाई होगी, लेकिन आज हम उसे थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में बनाएंगे। तो आइए देखते हैं करी पत्ते की चटनी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। सबसे पहले हमने यहाँ से 8 से 10 डंडी करी पत्ते की ले ली है। ये इस तरह से हमने तोड़ ली और इन्हें धोकर हमने साफ़ कर लिया है। फिर हमें चाहिए 1 कटोरी फ्रेश दही, दही खट्टा ना हो आपका। फिर हमें चाहिए 1 पिंच हींग, 1 टीस्पून सरसों के दाने, राई नहीं हमें सरसों लेना है। फिर हमने यहाँ पर लिया है 2 से 3 दाने लहसुन के। अगर लहसुन के दाने छोटे हों तो आप 4 से 5 भी ले लीजिएगा। फिर यहाँ पर हमने ली है 2 हरी मिर्च। मिर्च आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है, अगर आप तीखी चटनी खाना चाहते हैं तो आप मिर्च ज़्यादा डाल सकते हैं। फिर हमने यहाँ पर लिया है 1 इंच अदरक का टुकड़ा। फिर 1 टेबल स्पून यानी 1 चम्मच भुना हुआ चना, 1 चम्मच मूंगफली, 1 चम्मच कद्दूकस किया हुआ नारियल, नमक स्वाद के अनुसार और 1 चम्मच तेल। तो आइए बनाते हैं करी पत्ते की चटनी। अब चटनी के लिए हम इन सारे पत्तों को इस तरह से डंडी से अलग कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम सारे पत्ते अपने तोड़ लेंगे। और पत्ते तोड़ने के बाद ये हमारे करीब 1 बाउल, 1 छोटी कटोरी है, इसे 1 कटोरी पत्ते तैयार हुए हैं और अब हम इनकी चटनी बनाएंगे। और अब हम सबसे पहले गैस जलाएंगे और उस पर एक कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई रखने के बाद हम ये 1 टेबल स्पून इसमें ऑयल डाल देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो जाए तब हम इसमें ये हींग, सरसों के दाने डालकर पूरा सब भुनेंगे। देखिए सरसों हमारी चटकने लगी है कढ़ाई में। और अब हम इसमें ये देखिए सरसों चटक रही है। और अब हम इसमें ये लहसुन, हरी मिर्च, अदरक डालकर थोड़ी देर भुनेंगे, 5 से 10 सेकंड के लिए। फिर हम इसमें ये 5 से 10 सेकंड हो गए, अब हम इसमें ये मूंगफली डाल देंगे, इसको भी हम भून लेंगे। गैस की आंच को हम थोड़ा सा कम कर लेंगे, नहीं तो ये हमारा जल जाएगा। अब ये हमारी मूंगफली भुन गई है और इसमें हम अब ये नारियल डाल देंगे कद्दूकस किया हुआ, थोड़ा सा हम इसे भूनेंगे, बहुत देर नहीं, इसे भी हमें 1 से 2 सेकंड के लिए भूनना है। और अब हम इसमें ये करी पत्ता डालकर थोड़ा सा भून लेंगे। इसे बहुत ज़्यादा देर नहीं भूनना है, बस 1 मिनट के लिए ही भूनेंगे। और अब हम गैस बंद करके इसको पंखे में रखकर थोड़ा ठंडा कर लेंगे। तो ये लीजिए, ये मिश्रण भी जो हमने भुना था ये ठंडा हो गया है। और अब हम एक मिक्सी का जार लेंगे, इसमें हम ये दही डाल देंगे और ये मिश्रण डाल देंगे, भुना हुआ जो था सारा, भुने हुए चने डाल देंगे, नमक स्वाद के अनुसार डाल लेंगे और हम इसका एक बारीक पेस्ट बना लेंगे। तो ये लीजिए, झटपट 2 मिनट में करी पत्ते की टेस्टी चटनी तैयार है। आप इसे अप्पे, उत्पम, डोसे, इडली और यहाँ तक कि आप इसे राइस और चपाती के साथ में भी खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। और एक बार आप दही के साथ में करी पत्ते की चटनी बनाकर ज़रूर देखिएगा, आपको बिल्कुल नया सा टेस्ट लगेगा। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो आप इसे लाइक कीजिएगा और कमेंट्स करिएगा और अपने फ्रेंड्स को फेसबुक और व्हाट्सएप पे शेयर ज़रूर करिएगा। और इसी तरह की रेसिपी देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।